हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स जो कि एलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आज से हम एलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एलजेब्रा टू, और ये जो होने वाला है ये बैच 2024 एंड 25 बैच के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, अगर कोई अदर बैच का स्टूडेंट देख रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को लीनियर इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने ये सब पार्ट जो है नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो आप जो हमारे प्रैक्टिस सेट्स है उन पे जंप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जो पहले पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट्स रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो आपको समझना पड़ता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फाबेट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, नंबर्स, ये सब क्या होता है। तो जो हमारा अल्फाबेट्स होता है, यानी कि ए टू जेड, ठीक है, ए बी सी डी, ये सब होते हैं ना, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं मैथ्स मैथमेटिकल लैंग्वेज में, और वो भी इक्वेशन में। जब जब भी आपको इक्वेशन में ए टू जेड के बीच में कुछ भी दिखे, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट दिखे, तो वो समझ लेना कि वो जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद देखो, कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं, वो नंबर्स को कहते हैं। नंबर्स आपको पता ही होगा, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे देखो, इसमें अभी नंबर नहीं है, ये है, जिसे हम कोएफिशिएंट तो नहीं कहेंगे, बिकॉज कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल के आगे लगता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे 3x होता तो ये जो है, ये जो 3 है, दैट विल बी कोएफिशिएंट। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। एंड लीनियर इक्वेशन की एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है, इसकी क्या कंडीशन होती है मैं आप सभी को पहले बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं नीचे बताती हूँ आप सभी को, ये देखो, यस, तो पावर शुड बी वन। लीनियर इक्वेशन अगर आपको बनाना है तो उसकी जो पावर रहनी चाहिए, दैट शुड बी वन। अगर वो वन नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो हर एक पावर मतलब दो, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो ऑफकोर्स दो वेरिएबल होंगे, तो दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है, पावर मतलब जो ऊपर लिखी जाती है, अपने क्लास 9 से 10th में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। तो जो वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे लिखी जाती है, दैट इज पावर, दैट इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो इट मीन्स कि वहां पे वन है। हमेशा याद रखना, जब भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं दिखता है तो इसकी पावर क्या होती है, वन होती है। कोई भी पूछ सकता है आपसे भी, तो ठीक है। तो समझो कि x x x की पावर 3 प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा 3y की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो अब बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, और हमको क्या चाहिए, हमको 1 चाहिए। जब भी 1 नहीं है या फिर 1 है, 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया आप सभी को। उसके बाद देखो, इसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका जनरल जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखो, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, ए एक्स, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ है, ये इसका जनरल फॉर्म है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ए बी सी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ए बी और सी शुड बी रियल नंबर, ये रियल नंबर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अपने क्लास 9th में सीखा हुआ है। और बोला गया है कि ए और बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए एट द सेम टाइम पर, वो ए और बी दोनों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, वरना पूरा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माना कैसे जाएगा। ठीक है, तो एट द सेम टाइम ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। सो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको क्या क्या बताया गया है वो आप सब वो जो है मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं। दो ही मेथड है जो आपने क्लास 9 में सीखा हुआ है, जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। साइमल्टेनियस क्या होता है मैं आप सभी को आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, 1.2 में आपको ग्राफिकल मेथड बताया गया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ जो है ये आपको 4 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, ये पूछा ही जाता है। 1.3 में आप सभी को क्रैमर्स मेथड पूछा जाता है, मतलब क्रैमर्स मेथड ये आप सभी को बताया गया है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको भी नोट कर सकते हो। उसके बाद देखो, प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको इक्वेशंस दिए जाते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मतलब आपको सॉल्व करना रहता है इक्वेशंस, एंड उसके अंदर एक फॉर्मूला भी रहता है
जो कि मैं आपको जब हम वो ये प्रैक्टिस है जब हम स्टार्ट करने करेंगे ना तो मैं आपको सभी को बताऊंगी ये, ठीक है। प्रैक्टिस 1.5 में एज यूजुअल वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स पता होगा ना आप सबको कि कैसे पूरा एक सेंटेंस स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है हमको इक्वेशंस बना के। तो इसमें वैसे ही है कि हमको इक्वेशन फ्रेम करना है हमें खुद ही को एंड उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि फादर एंड सन दिए रहेंगे, उनकी एज निकालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स दिए रहेंगे, उनकी एज निकालनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे वेरियस प्रकार के वेरियस टाइप्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस एट 1.1 को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रैक्टिस एट 1.1 में वही है कि हमें सम कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने मेथड्स के यहाँ पे नाम भी लिखे हैं कि एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो कि आपने क्लास 9 में सिखा है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हो। 1.2 में आपको ग्राफिकल मेथड दिया जाएगा, जो कि आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा, ग्राफ के पेज पे बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस 1.3 में आप सभी को डिटरमिनेंट मेथड है, जिसे हम क्रैमर्स मेथड कहते हैं, सो ये सभी आप सभी को पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम ये प्रैक्टिस 1.1 को ही मतलब सॉल्व करेंगे जितना भी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको अपने जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है क्लास 10th की, ये आपको उसमें मिल जाएगा। सो देखो ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साइमल्टेनियस किसे कहते हैं। तो साइमल्टेनियस देखो, व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में हम दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में या फिर दो इक्वेशंस के बारे में सोचते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देन दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉरी दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझ में आया आप सभी को, मतलब कि कोई भी दो इक्वेशन ले लो बट वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो लीनियर इक्वेशन, एंड जब हम उसको साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में कंपैरिजन करते हैं उनका, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें सिंपली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आया, ये क्लास 9th में भी था, अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो लास्ट ईयर वी लर्न टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, मतलब कि हमने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा था, एंड एलिमिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हम उस एक वेरिएबल को हटा देते हैं। समझ में आया, मतलब कि एक्स एंड वाई ये दो वेरिएबल्स हैं, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल के लिए y को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि प्लस y और माइनस y क्या कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि प्लस y मतलब अगर प्लस y और प्लस y है, ठीक है, ऐसे है, तो हम उसको माइनस सब्ट्रैक्ट करके हम उसको कैंसिल कर देते हैं, सही है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, तो ये सभी आप सभी को याद होना चाहिए, समझ में आया। सो इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख के बता देती हूँ, ये आपको पेज नंबर आई थिंक मिल जाएगा, देखो आप सभी को। तो ये है ये है एलिमिनेशन मेथड और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कुछ कुछ जो मतलब इक्वेशंस है ना, वो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके बता दूंगी, सो दैट आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे देखो ऐसे किया गया है कि दो इक्वेशंस दिए जाएंगे साइमल्टेनियस, एंड समझो यहाँ पे क्या किया गया है, सारे इक्वेशंस को वाई की वैल्यू निकालने के लिए सारे इक्वेशंस को हमने क्या किया है, आरएचएस में भेज दिया है। तो ऐसे आप सभी को सॉल्व करना है, दिख रहा है आप सभी को इस तरह से, ठीक है। तो ये नोट कर लो एक बार, ओके। सो यस, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस एट 1.1 पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है यहाँ पे, ये जो प्लस है ना इसकी, ये माइनस है, ठीक है, तो मैंने इसको माइनस कर दिया है। तो इसकी इस बात का ध्यान रखना आप सभी लोग। तो ये दो इक्वेशन दिए गए मेरे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, अभी ये इसे सॉल्व करने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोग इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन है ना, हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमको देखना पड़ता है कि इन दोनों इक्वेशन में से, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहे एलएचएस में, कि इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें देखना रहता है कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स हमारे सेम है कि नहीं। अगर कोएफिशिएंट सेम है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है ना, नंबर सेम है, यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सेम नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, वाई साइड में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अभी जब हमने कोएफिशिएंट्स देख लिया तो हम देखेंगे अब इसका साइन, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स अगर अपोजिट साइन रहते हैं तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, अगर सेम साइंस रहते हैं तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट है। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइंस है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐड किया है, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करते हैं,
ठीक है, तो ऐड कर दिया। तो अब देखो, अब जब हम ऐड करेंगे तो 7 + 2 करूंगे तो ये हो गया 7, और ये एक्स का एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा, एंड देन ये जो है प्लस 3y - 3y कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइंस है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, देन 21 को हम इधर ही लिखेंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, देन 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 लिखेंगे। ये होता है हमारा ऑर्डर पेयर, दिख रहा है आपको बाजू में, ये ऑर्डर पेयर कहते हैं इसको। एंड देन x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्लेस, प्लेस या फिर प्लेस का मतलब होता है कि रखना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को 3 रखेंगे हम, तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, तो जल्दी से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू थी मतलब 5x था ना, यहाँ पे देखो 5x था, तो x की वैल्यू हमने सिंपली क्या करनी, 3 लिख दी। देन हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है, 5 × 3 से कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पे एक स्टेप है ना थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये 5 × 3 = 15 होता है और ये +15 होता है। जब ये +15 इधर जाएगा, RHS में जाएगा, तो ये -15, ये माइनस और ये 15, तो जब हम इसे माइनस करेंगे, इसको माइनस करो तो आंसर आएगा -6। ग्रेटर नंबर साइन हमेशा आएगा, ठीक है। अगर इधर प्लस होता तो हम +6 लिखते और उसको प्लस करना पड़ता था, ठीक है। एंड तो यहाँ पे -6 आया, देन -6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आंसर कितना है -2। तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया -2, तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वॉन्ट, देन चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन आप सभी को ये है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें जो मैंने रेड मार्क से किया है, ये जो रेड मार्क से मैंने टिक किया है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये भी देख लो, और ये तीन क्वेश्चन मैं आप सभी को करके बताने वाली हूँ, बिकॉज ये थोड़े से अलग टाइप के, मतलब हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं आप सभी को करके बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो जाओ, यस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, एंड इससे सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, तो समझ में आप सभी को, ठीक है। और ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये एक ही दिया गया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन, समझ में है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको देख के, ओके। तो देखो अब मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज अच्छे से एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखना, ये देखो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्टार्ट करते हैं, इसके 2 ही स्टेप है, बहुत ही इजी है, तो देखो ध्यान से देखना। तो यस, यहाँ पे क्या दिया है, 3a + 5b = 26, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 22। देन मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे सिंपल स्टेप मैंने क्या किया है कि ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखा वापस अगेन, एंड यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया एंड इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दिया, जस्ट आपको सिंपल ऐसे ही करना है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आपको लिखना है। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे देखो साइन का खेल है, पहले आपको देखो स्टेप 1 देखना है कि मेक कोएफिशिएंट सेम, अगर वो सेम नहीं है तो आपको कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर वो कोएफिशिएंट जो है सेम है, अगर सेम है तो हम उसको यहाँ पे साइंस के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे, अगर साइन सेम है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड अगर साइन अलग है तो हम उसको एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा कोएफिशिएंट तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे कि जो साइन हमारा है वो चेक करेंगे, तो साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, अगर सेम साइन है, मैंने क्या बोला था सेम साइन है तो वी विल डू सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से लिखना आप सभी लोग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे ही आप सभी को लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम से, मैं अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 and 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, एंड दोनों इक्वेशन को जब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम ये वाले साइंस को चेक करते हैं, ठीक है, ये वाला साइन चेक करते हैं हम सभी, इसके आगे वाला साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन जरूर डाल देना क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी प्लस ही है, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे प्लस है, ये ऊपर वाला साइन लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये ग्रेटर नंबर साइन लगा देंगे, तो प्लस टू और ए सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर प्लस आपने नहीं लिखा है तो भी चलेगा, तो टू ए, और यहाँ पे देखो प्लस ये वाला साइन लिख रहा है और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, अगर सेम साइन है तो हम उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, सॉरी अलग अलग साइन है, यानी कि एक प्लस है एक माइनस, अपोजिट साइन है, तो हम उसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, बिकॉज ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज ही कर रहे हैं हम सभी लोग, ओके। उसके बाद ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लस साइन, यहाँ पे है माइनस साइन, तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स माइनस करेंगे ना, तो माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा फोर। ग्रेटर नंबर साइन क्या है, प्लस है, मतलब ग्रेटर नंबर मतलब क्या कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, उसके आगे वाला साइन कौन सा है, प्लस है, तो वही यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाया तो वही है, तो ए, ए की वैल्यू निकालने के लिए 4/2 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स की मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एंड वो यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट विल बी इंटू मल्टी, मतलब वो जो होगा वो इंटू में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ध्यान से ए की वैल्यू 2, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में, तो बाय पुटिंग ए की वैल्यू 2, ये ध्यान से लिखना है, ए की वैल्यू इन इन इक्वेशन नंबर 1, हम 1 में पुट करते, पहले हम ध्यान से देखेंगे कि दोनों में से सिंपल इक्वेशन कौन सा है, तो मुझे तो ये वाला सिंपल इक्वेशन लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2, तो जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू प्लस 5b, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा, ए प्लस 5b इज इक्वल टू 22, तो ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, दैट इज 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, 2 को हम इस साइड पे भेजेंगे, तो ये प्लस 2 है वहां पे जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, देन b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि b की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये इसको माइनस करो पहले, तो 20 आ गया, b की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 है, इन 2 में है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये होगा डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड में होगा, तो ये अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 5 4 20, तो यहाँ पे लिख देंगे बी की वैल्यू 4। आपको कैलकुलेशन जो है वो दिखाना नहीं है, सीधा आप यहाँ पे रफ वर्क, यहाँ पे रफ लिख देना, रफ वर्क, एंड आप यहाँ पे जितना जितना भी रफ करना चाहते हो, वर्क रफ वर्क करना चाहते हो, आप यहाँ पे इस साइड पे कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया है कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, राइट है ना, इसकी वैल्यू। हाँ यस करेक्ट है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हमने ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कि हमने देखा था कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स तो सेम ही है, तो ये इजी बन जाता है, राइट है, हम इसको जल्दी जल्दी जल्द सॉल्व कर पाते हैं। बट यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि ये वाला 4th जो क्वेश्चन है हमारा, ये 4th क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखो, ये 5m - 3n इज इक्वल टू 19 एंड m - 6n इज इक्वल टू -7, तो इसमें कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ध्यान से देखना, इसमें कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं लग रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन लिख लेंगे कि ये 1 है ये 2 है, ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देती हूँ जरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इस इक्वेशन में हम देखो, इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट है, अगर हम एम की वैल्यू को सेम करना चाहें, ठीक है, अगर हम एम की वैल्यू को सेम करेंगे तो हमें इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें इसमें सेम करना पड़ेगा, अगर हम इसमें सेम करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जब ये -6 होगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम ये वाले इक्वेशन को लें तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 1 बाय, इसको हम इसके साथ सेम कर रहे हैं, यानी कि ये इसको भी हमें -6n बनाना है, तभी तो ये सब्ट्रैक्शन करके कैंसिल होगा, समझ रहे हो ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, -6 बनाएंगे, या फिर 6 बनाएंगे, ऐसा सोचो, तो 3 2 6 होता है, तो बाय 2 करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 1 बाय 2,
ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो, ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम इसे क्या करेंगे, इससे हम सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, 5m-3n इज इक्वल टू 19, एंड इसको पूरा ब्रैकेट करेंगे और डिवाइड इंटू टू कर देंगे, ठीक है। सो इंटू टू करने के बाद में ये 5 2 कितना हो जाएगा, 10 10m हो जाएगा, और ये 3 2 कितना हो जाएगा, 6n, n वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, और 19 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन फ्रेम हुआ है, इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, मतलब इस इक्वेशन को हम हटा देंगे हमारी आंखों के सामने से, बिकॉज अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को, ठीक है, ध्यान से देखो मैं जरा से वो कर देती हूँ, रेक्टेंगल में कर देती हूँ। सो ये जो हाईलाइटेड दो इक्वेशंस हैं, हम इसको नजर में रखेंगे, बाकी इस इक्वेशन को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस में ये वाला जो क्या कहते हैं हम इसको, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कोएफिशिएंट दोनों ही सेम है, तो हम क्या करेंगे कि लेट लेट सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने बोला था अगर साइन सेम है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग, लेट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे वापस से, तो m-6n इज इक्वल टू -7, 10m 10m-6n इज इक्वल टू 38, राइट है। अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, एंड यहाँ पर जो है ये प्लस है, तो इसका जो अपोजिट साइन है, अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस लिख देंगे, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे प्लस साइन ऑलरेडी है तो यहाँ पे माइनस साइन कर देंगे, समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 9m हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 10-1 कितना होता है, 9 होता है, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब ये कैंसिल है, ठीक है, ये मतलब एक एलिमिनेट हो रहा है, समझ में आ रहा है आप सभी को, एक एलिमिनेट हो रहा है। या तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको जो हमारा दूसरा मेथड है, कौन सा मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे भी आप कर सकते हो कि एम की वैल्यू आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, एम की वैल्यू, ओके, एंड ये जो है -6n को आप वहां पे भेज सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप सभी लोग कर सकते हो, ओके। सो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, देन ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 38 में +7 कर लो, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, 8 + 7 करेंगे 45 आ जाएगा, ध्यान से देखना 45 आएगा, और माइनस माइनस है तो ग्रेटर नंबर साइन भी माइनस ही है, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो -45। अब ध्यान से देखो ये जो है -9m, माइनस माइनस तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, फिर आप बाद में भी कर सकते हो, तो हम अभी यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो m -9 को हम उधर भेजते हैं RHS में, तो -45 डिवाइड बाय -9 करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर रही हूँ, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। और ये 9 1 9, 9 5 45, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखना, एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हमारी एम की वैल्यू आ गई है, सो जरा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आपको भी इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू तो अब हमारे पास आ गई है, हम इसको एम की वैल्यू में कोई भी ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड देन हमारे पास एन की भी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है ना, यस, ये देखो ये वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम इसको पुट करेंगे, देखो बाय यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पुटिंग एम की वैल्यू 5 इन इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड है ना, वो है, फर्स्ट में तो करेंगे तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो अब देखो अब यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन कौन सा है, एम -6n इज इक्वल टू -7, तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 5 आई है, -6n -7। अब देखो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो +5 है उधर जाएगा, -5 हो जाएगा, तो 6n -7 -5, राइट है, -6n, इसको जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो आगे हमारे पास 12, एंड देन ये -6n, सॉरी अब -6n को हम RHS में ले लेंगे, तो n की वैल्यू -12 डिवाइड बाय -6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है।
ध्यान से देखना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। देन ऑर्डर पेयर हम लिख लेंगे कि m और n की वैल्यू, तो m की वैल्यू है 5 एंड n की वैल्यू है 2, इट मीन्स कि ये ऐसे होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना सभी को। ओके, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अगर आप इसको सब्सटीट्यूशन से करते हो तो वो भी मैं थोड़ा सा आप सभी को करके बता देती हूँ कैसे होता है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ आप सभी को। सो लिखना है कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस थे ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे वापस। सो ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखो ये फोर्थ सम है ना माना, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फोर्थ सम। ओके, तो अब हम इसे सब्सटीट्यूटिंग मेथड से करेंगे, तो वो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो ये जो एम एम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे कर लो -6n को है, -6n को यहाँ पे भेज दो RHS में, तो ये +6n हो जाएगा। एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे आपसे बोल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो अब यहाँ पे m की वैल्यू है, ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। तो हम लिखेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो अब एम की वैल्यू ये आई हमारे पास, एम की वैल्यू पर ये हम पुट करेंगे, तो एम की वैल्यू क्या है, -7 + 6n - 3n इज इक्वल टू 19। बस ये जो एम था ना यहाँ पे, इस एम की वैल्यू पे हमने ये पुट किया है, जरा सा एकदम सिंपल ये। देन अब हम इसे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये JR4 लगा देना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -35 + 6 5 = 30, ये 30n हो जाएगा, -3n, ये थोड़ा सा लेंदी होता है बट ये सिंपल होता है, ठीक है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो -35, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, +27 आएगा, 27n 19, ये उधर जाएगा, तो 27n इज इक्वल टू 19, और ये -35 उधर आ जाएगा, तो +35। ओके, देन 27n इज इक्वल टू, इसको ऐड करो तो ये 14 4 5, राइट है। तो n की वैल्यू कितनी आई, 54 डिवाइड बाय 27 करो, तो 27 टू जा होगा, तो 27 1 27 2 जा, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, राइट है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 ही आएगी। दोनों मेथड से करोगे सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू देखो यहाँ पे भी 2 ही आई थी, और यहाँ पे भी कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, तो मतलब दोनों मेथड से करोगे सेम ही आएगी। देन एन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर कोई भी किसी में भी पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, तो दोनों ही सेम ही आएगा, ठीक है, या तो 3 में भी पुट कर सकते हो। सो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सो दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा अलग मेथड है, इसमें ASA रूल इस्तेमाल होगा। ASA का मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम इसको एडिशन करेंगे, एडिशन करना एडिंग मतलब प्लस करना, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशंस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इसको हम वापस लिखते हैं। तो क्या आपने यहाँ पे ना एक बात नोटिस की कि हमने कैसे पहचाना कि यहाँ पे ASA रूल यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हमने देखो ऐसे नोटिस किया कि 49 और 49 ये अल्टरनेट है, राइट है, अल्टरनेट है ना, ये यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे है एंड यहाँ पे y की वैल्यू भी यहाँ पे है, ठीक है, एंड यहाँ पे 57y है और यहाँ पे 57x है। तो इस तरह से हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन सॉल्व इजी। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये 1066, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो ये हो जाएगा -106y। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे 3 4 4 2 4, तो अभी हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय, इसको इक्वेशन नंबर भी दे दो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो डिवाइडिंग बाय 106। अब 106 से क्यों मतलब डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे सेम है, और ये भी ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये 106 के टेबल में जाएगा, ठीक है, मतलब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ ये 106 फोर्सा होगा, ठीक है, बिकॉज हमको पता चल रहा है ये जाएगा ही, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 106 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये होगा। ओके, सो अब देखो 106, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो
इस इक्वेशन को, ये जो हमारा हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे। तो फिर से लिखने से अच्छा है कि हम इसको कॉपी कर लें, ठीक है? ये क्या आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फिर से लिखते हैं। ओके, सो फाइनली हो गया कॉपी। तो अब देखो कैसे करना है, इसको हमने 106 से होल डिवाइड किया, ठीक है? 106 यहाँ पे वाई आएगा एंड यहाँ पे भी 106। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। कैसा इक्वेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा है ना यहाँ पे, तो एक्स माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, ठीक है? मतलब हमने एडिशन करने पर हमारे पास एक और क्या, एक और इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करेंगे अब हम, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये फोर्थ इक्वेशन को कुछ मत करना, ठीक है? ना ये 3 इक्वेशन को कुछ करना, ठीक है? हमारे पास जो नए 2 इक्वेशंस बनेंगे, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनेंगे, हम उससे, मतलब हम उससे वापस एडिशन करेंगे। देखो अभी आप सभी को समझ में आएगी, ठीक है? तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो हमारे पास असली वाले, जो हमारे पास पहले वाले इक्वेशंस थे, हम उसको छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो हमारे पास कौन से इक्वेशंस थे, जरा हम उसको लिख लेते हैं इसको माइनस करने के लिए। सो ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था तो ये हो गया माइनस, ठीक है? यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ये यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है? इस तरह से साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन करते समय। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है? ऊपर वाला साइन देखेंगे और ये सबसे लास्ट वाला साइन देखेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ऑफकोर्स। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8x, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है किसके आगे है, मतलब यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर 57 है, इसके नीचे कौन सा वाला साइन है, माइनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। समझ में आया कैसे हुआ ये? इसको भी हम करेंगे तो प्लस माइनस 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 8y एंड इज इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करेंगे, राइट है, इसको जब हम माइनस करेंगे 172 से 252 को, तो इधर आंसर आएगा -80, ठीक है? सो मतलब पहले 80 लिख देंगे, देन ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ओके, देन हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय, इसको इक्वेशन नंबर 5th दे दो, बिकॉज 4 हमने दिया है ना, हाँ, तो 4 यहाँ पे हमने दिया है, ये वाला दिया है। सो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 5th देंगे एंड लिखेंगे डिवाइडिंग बाय -8। -8 से भी कर सकते हो या तो +8 से भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, तो मैं चाहूंगी कि इसको माइनस से ही करा जाए, -8 से इसको डिवाइड करा जाए। तो डिवाइडिंग बाय -8 इन इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 5th, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो, आप लोग लिख लो ऑन, लिख देती हूँ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? सो देखो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे वापस से लिख देंगे, तो जरा मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? सो यस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये वाई आ जाएगा, ये वाई। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना इसको, तो डिवाइड करने पर देखो, जरा मैं 8 लिख देती हूँ, -8 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो -8 ही लिखना, अगर नहीं लिखा तो एग्जाम में मार्क्स जो है वो कैंसिल होने की संभावना है, चांसेस है। तो अब देखो इसको हम -- कैंसिल कर देंगे, -- कैंसिल हो गया, -- कैंसिल हो गया, पहले ही कैंसिल हो गया, देन 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8, एंड यहाँ पे 8 1 8 8 8 10, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास एक नई इक्वेशन फ्रेम होगी, तो कौन सी, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब प्लस है और 1, यहाँ पे 1 आया ना, तो यहाँ पे हम सिंपली x लिख लेंगे, और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस y, तो ये जरा ये अजीब लग रहा है, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है? सो ये x प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 10 आया, तो राइट है? तो हम इसको इक्वेशन नंबर 5th तो हो गया ना हमारे पास, अब हम इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 6 दे देंगे, ठीक है? अब हमारे पास दो नई इक्वेशन रेडी हुई ना, तो कौन सी दो नई इक्वेशन रेडी हुई, जरा मैं बता देती हूँ। ये वाली इक्वेशन रेडी हुई है, ठीक है? एक ये वाली इक्वेशन रेडी हुई है जो हमने एडिशन करके लाई थी, एंड एक सब्ट्रैक्शन करके जो हमारे पास इक्वेशन रेडी हुई है, हम इसको मतलब उसको हम करेंगे, मतलब हम इसको लिख लेंगे। ओके, सही हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है और एक इक्वेशन नंबर 6 है, तो दोनों को हम नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? ऐसे करना आप सभी को।
सो ये देखो इस तरह से आप सभी को नेक्स्ट पेज पे लिखना है, मतलब मेरा तो पेज खत्म हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो एक माइनस मिलेगा आप सभी को और एक प्लस में साइन मिलेगा। देखो मैंने बोला था एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब जो हमारे पास ये जो दो अपोजिट साइंस आए हैं ना, अपोजिट साइंस को आपको देखना है। देखो सारे कोएफिशिएंट्स तो सेम है, मेरे दो रूल मतलब स्टेप्स से आपको याद होंगे ना, जो दो स्टेप्स मैंने आप सभी को बताए थे वो याद है ना आप सभी को। तो यहाँ पे आपको पहले तो कोएफिशिएंट्स देखने हैं, देन आपको साइन को मतलब साइन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दोनों साइंस क्या है, ये है अपोजिट में है, तो हम क्या करेंगे इसको एडिंग करेंगे ना, एडिशन करेंगे। तो बाय एडिंग इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ, ठीक है। तो एडिशन करने पर ये हम यहाँ पे लिख देंगे फोर एक्स प्लस वाई, जरा मैं से लिख ली 10, और इसे ऐड कर लेंगे तो ये होगा 2x, ये प्लस y माइनस y एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब क्या पता है ना आप सभी को, कैंसिल हो जाएगा। देन ये होगा 14, राइट है, ये 14 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 2y है, इट मींस x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, ठीक है, राइट है, x की वैल्यू 7, यस बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही आप सभी को y की वैल्यू भी निकालनी है, तो जरा मैं y की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू मतलब कोई भी इन दोनों कोई भी इक्वेशंस में हम ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे, देन y की वैल्यू भी आ जाएगी। आप जो हमारे पहले वाली इक्वेशंस थे उसमें भी पुट कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए आप इसमें पुट करो। तो चलो हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुटिंग, सिंपली लिखना है कि पुटिंग x की वैल्यू 7 आई क्या, हाँ 7 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 7 प्लस वाई की वैल्यू वाई 10 निकाल रहे हैं हम सब लोग। तो ये 7 है प्लस 7 है उधर जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, तो y 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ चुकी है। तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, ठीक है। सो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे, एंड ऑर्डर पेयर आप सभी लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ऑर्डर पेयर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू है 7, y की वैल्यू है 3, ठीक है, राइट है, बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। सो अब आ जाओ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा दिखने में अजीब है, बट बहुत ही इजी है, सिंपल है। तो देखो ध्यान से देखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देन आपको एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा कि हम इसको क्या समझ रहे हैं एंड क्या करना है हमें आगे। तो देखो जब भी आपको ऐसा डिवाइड में क्वेश्चन मिले ना, देखो ये डिवाइड में है, तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा मिले या फिर ऐसा मिले तो फिर ये जो है ना ये सेम रहेगा, ठीक है, ये कभी भी ध्यान रखना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना है, इस 3 को निकालना है, इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया ना, तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 3, जो नीचे है डिनोमिनेटर में है ना उसी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वरना आपको अगर कोई दूसरे से कर दोगे तो बहुत ही भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना, तो हम मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करेंगे। वैसे ही यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो नीचे वाली इक्वेशन में हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान में रखो आप सभी। ये कैसे पता चला मल्टीप्लाई करना है हम सभी को, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में क्या है 3 है या यहाँ पे 4 है, डिवाइड में है ना डिनोमिनेटर में, तो इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है इतना बड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है, ठीक है, ओके। सो जैसे ही हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं करके बता देती हूँ आप सबको, ये इक्वेशन है, ठीक है, ऐसा ही सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई किया पूरे को, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, या फिर समझो कि इसको 3 से मल्टीप्लीकेशन किया, इसको 3 से मल्टीप्लीकेशन किया एंड इसको भी 3 से मल्टीप्लीकेशन किया। तो देखो 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3y हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी, दैट इज ये हो गया एस और ये 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, और ये हमारे पास सिर्फ बचा 10, तो ये हो गया 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को, यस। तो हमारा अब ये जो नेक्स्ट वाला है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, ठीक है। तो इसको जरा मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड इसको नीचे पुश कर लेती हूँ, यस। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ये 4 है और ये 4 है, ठीक है। तो अब हम इसको 4 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये भी 4 से गया, ये भी 4 से गया और ये भी,
ओके okay, तो यहाँ पे देखो ये 4 2 8 हो गया, राइट है, तो ये हो गया 8 4 2 8x, और यहाँ पे 4 4 कैंसल, यहाँ पे 4 4 कैंसल, यहाँ पे भी 4 4 कैंसल, तो प्लस वाई 8x प्लस वाई, राइट है ना, हाँ राइट है, एंड ये 11, ठीक है, कुछ अजीब सी इक्वेशन बन रही है इसलिए मुझे थोड़ा सा शक जा, लेकिन राइट राइट ही होगा, हम लोग राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 ये जो है, और ये दोनों नई इक्वेशन आएंगे, तो यहाँ पे देखो ये है x, और यहाँ पे है 8x, और यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहला जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, क्या था कि हमको कोएफिशिएंट को सेम करना है, अगर वो नहीं है तो हम y के ही करेंगे, मेनली हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम y के कोएफिशिएंट जो है उसको ही सेम करेंगे, या तो इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो चलो उससे ही कर लेते हैं ना हम लोग, क्यों हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बार बार, तो चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ये जो स्टेप्स है ना, ये जो स्टेप्स है ना, इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं, और एक्स की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो क्या होगा, एक्स ये प्लस 3y है, 10 माइनस उधर जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, तो माइनस 3y, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल गई है, तो एक्स की वैल्यू जरा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, हाँ यस, तो ये हो गई एक्स की वैल्यू, इसको जरा इक्वेशन नंबर 4 बनाओ, और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको जरा हटाओ, और यहाँ पे 5 ले, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो नई इक्वेशन बनी है यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे कि बाय पुटिंग x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 माइनस 3y है इन इक्वेशन नंबर 16, ठीक है, समझ में आया, तो देखो अब 8 जरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 8 x की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 3y, तो वो लिखेंगे प्लस y, बाकी का यही छापना आप सभी को यहाँ पे, तो 11, ओके, तो देखो यहाँ पे 8 टेन जा कितना होता है 80, माइनस 8 थ्री जा कितना होता है 24, और ये y ऐसे ही लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 11, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना अब क्या होगा, ये y y की टर्म्स को आपको देखना है थोड़ा सा, ये y y की टर्म्स को देखो, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस माइनस होगा ना 23y, और ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हो गया, एंड यहाँ पे 11, देन ये है प्लस 80 उधर जाएगा, माइनस 23y, 11 माइनस 80 कर लो, तो ये क्या होगा, माइनस 23y, इसको जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 69 ये आएगा ना, 80 माइनस 11 करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 69 हम लिख देंगे, और ये जो है माइनस 69 हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, माइनस 23 को है ऐसे कैसे इधर लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 69 डिवाइड बाय माइनस 23, ये चला जाएगा, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, ओके, उसके बाद देखो ये 23 वन जा 23 थ्री जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यस, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और इसको हम जरा ब्रैकेट बना ऐसे ये बना देते हैं, ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इधर ही मैं कर देती हूँ, यस, तो ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बाय पुटिंग वाई की वैल्यू 3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जैसे कि इक्वेशन नंबर हम 4 में पुट कर देते हैं, ठीक है, 4 इजी लग रहा है मुझे, तो 4, ठीक है, तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरा इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, तो देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3, और y है आगे, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई ना, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो x ये कितना होगा, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से, तो ये होगा माइनस 9, 3 3 होगा ना 9, और ये माइनस बोर्ड मास के हिसाब से हमने ऐसे किया, ठीक है, बिकॉज अगर ऐसे होता है, माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं माइनस, ये इसको मल्टीप्लिकेशन को, माइनस को नहीं, ठीक है, अगर हम ऐसे कर लेंगे कि 10 माइनस 3 कर लेते हैं, ठीक है, अगर समझो 10 माइनस 3 कर लेते हैं तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 इंटू 3 करते हैं 21 आएगा, तो ये जो आएगा ना, ये आंसर गलत है, ठीक है, इसलिए हम पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन इसको माइनस करेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, तो ये राइट है, एक्स की वैल्यू 1 बिल्कुल भी करेक्ट है, तो इसके आगे आप दिख रहा था ना आप सभी को, यस, देन आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हो कि x और y इज इक्वल टू 1, 3, ये हो गया ऑर्डर पेयर, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो कोई भी इक्वेशन का, ठीक है।
सो आई होप ये आप सभी को कैसे मतलब इतने सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आप सभी को आराम से आ गया होगा। तो जरा मैं इसको इस तरह से पैक कर देती हूँ। सो यस ठीक है, समझ में आप सभी को कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल था। मैंने पूरा अच्छे तरीके से मेरे मेरे तरफ से तो मैंने आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है। ठीक है, सो अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ जरा मैं। हाँ ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।